आज का जो प्रोग्राम है NNMR का जो वोमेन विंग, ये प्रत्येक इसी महीना को इसी दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपना कल्चर एंड आइडेंटिटी को प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए युवा के लिए ये इसी प्रकार का प्रत्येक साल को करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी युवा है उन सभी को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब अपना कल्चर और आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। यही हमारा परंपरा, ये संस्कृति, ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से ये लैंग्वेज, ये हमारा आइडेंटिटी, ये कल्चर होते आया है। इसको हम सब मिलकर उसको फॉलो करना होगा।
इसके लिए आज चंगतम माने टीम ने बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया। मैं उन सभी चंगतम माने टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और इसको आगे बढ़ाना है। और बिंग हम इंडिजिनस अफेयर्स मिनिस्टर, मैं सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना इंडिजिनस कोई भी इंडिजिनस चीज़ को, लैंग्वेज को, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, चाहे वो छचंगाने हो, निदों आप हो, दोनी पोलो हो, और उसको हम सब इसी से होकर हम लोग आए हैं, इसको हम ध्यान देना होगा और इसको प्रिजर्व एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन वो हम सब मिलकर करना हो। जैसे कि काफ़ी स्किट भी दिखाया गया था, तो यहाँ में जो ट्रेडिशनल वे में दिखाया गया था जो पहले ज़माने में होता था, लेकिन अभी का जनरेशन में थोड़ा वेस्टर्नाइज मिक्सअप हो ही गया है, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वेस्टर्नाइज मिक्सअप जो हुआ है जी, क्योंकि इसमें हमारा अपना खास करके जो इंडिजिनस में अपना जो ट्राइबल सोसाइटी में, नॉट ओनली निशी समाज में, ऑल ओवर इंडिया में हम आउट ऑफ 1 crore 25 lakhs में से हम 15 करोड़ ट्राइबल समुदाय रहते हैं, और वो ट्राइबल समुदाय का स्क्रिप्ट में लिखित में नहीं है, चाहे दूसरा दूसरा का लिखित में पूरा है, तो वो लिखित में नहीं होने का वजह कई लोग वो चले गए, और अभी हमारा लिखित में फॉर्म में आ गया। निसी में भी जैसे नीतम किताब हो गया, अपना रंगफरा में बन गया, मटाई में बन गया, गंगिन में बन गया, जो अभी लिखित में जो आ गया उसको हमारा युवा लोग फॉलो करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए उसको, और जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया आपको वीडियो के फॉर्म में भी बनाया उसको भी फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। नहीं नहीं, हमने अभी बोल दिया कि आप लोग शायद हमारा स्पीच को रिकॉर्ड किए होंगे कि जमीन दुनिए कोई भी जगह में शुरुआत, पहले तो गुरुकुल तो अभी दो तो चल ही रहा है, और इस बार 5 सरकार का तरफ से दिया, डिपार्टमेंट का तरफ से दिया है, और इसमें खास करके मैं अपना टीम अरुणाचल के सरकार जो नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, माने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अपना अरुणाचल का ट्रेवल इंडिजिनस जो डिपार्टमेंट वो नॉर्थ इसमें कहीं नहीं है, वो हम लोग डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के थ्रू, और इस बार भी 5 स्कूल हम लोगों ने अनाउंस किया, और तांदे तांदे ब्यंगने बोल के एक गुरुकुल एक वोमिन का चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है, उनका मांग भी ज़रूरी है, तो इसको अगला साल से हमने ज़मीन देखने के लिए बोल दिया कि ज़मीन दिख के हमारे पास लेकर आइए और इसको भी हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू। और आपके मैं पूरे दीपावली में सभी जनजाति को, पूरे देश और विदेश में जो भी लोग बसे हुए खास करके अरुणाचल प्रदेश में, मैं सभी को मैं आंतरिक हृदय से बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी हम सभी को लक्ष्मी का बारिश कर दे और सभी को सुख शांति रखे। थैंक यू। प्रोग्राम आप लोग जैसे देखा है, चंगतम माने जो अपना गोडेस ब्लेसिंग डे करके इसको मनाया जाता है, ये कैलेंडर इवेंट है हमारे जो NNMR का निशी निदुम मंगजंग रानों का वोमेन विंग का, ये कैलेंडर इवेंट है, हमेशा हर साल को 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये सेकेंड टाइम है, एंड इसको बड़ी धूमधाम से, ये बार सिर्फ ये एक अच्छा नया एडिशन ये हुआ कि फोक टेल्स फोक लॉर्स को आपका ड्रामा थ्रू से दिखाया गया है, आपने देखा है बहुत सुंदर सा तांदे जो बर्ड्स का, दो बर्ड्स का कैसे बिछड़ जाता है उसको इतना सुंदर से सप्पा इंद्र नामलो टीम ने प्रेजेंटेशन किया है। उसी तरह हर साल में इनका कोशिश है कि हर साल में ऐसा जो रिलेटेड वोमन का जो रिलेटेड जो कहानी है उन लोग का जो इसका अपना प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन कल्चर में कैसा रोल रहेगा उसमें वो दिखाने के लिए और उन लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा उन लोग का कोशिश है और ये जारी रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट को देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही ज़रूरी है, और इसको ये एक तरह से ये ट्रिकी भी है, क्योंकि इसको गलत भी ले लेता है, वुमेन एम्पावरमेंट करके कभी कभी वुमेन एम्पावरमेंट है करके हम इंडिपेंडेंट है, हम खुशी से करना है, ऐसा करके कभी कभी गलत रास्ता पर भी जाता है, बट देन यहाँ पे इन वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग जो NNMR थ्रू से जो हमारे जो इंडिजिनस थ्रू से मैसेज ये देना चाहता है कि
वुमेन एम्पावरमेंट ये मतलब नहीं कि आप अपना मर्जी कुछ करें, बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। वुमेन कितना रेस्पॉन्सिबल है और अपने इंडिजिनस वुमेन में वो कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकता है, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है और उनका क्या रोल रहेगा, उस चीज़ पर ये डिस्कशन है। और फादर जो ये जो वुमेंस को का तरफ से जो आज प्रोग्राम कराए गए हैं, जैसे कि अभी मेरा कलीग ने भी पूछा कि उनके लिए जो बनाया जाना चाहिए नमलो, उसको लेके जो बात हुआ है उसको लेके। नमलो नहीं है, मतलब ये जो है यरको है, ऐसे हमारे जो निबुंजागम यरको करके या गुरुकुल, हम इसको हिंदी में अगर कहे तो गुरुकुल है, अगर निशी में कहे तो आपका इसमें निबुंजागम यरको है, आदि में कहे तो नीलोंग टोंको है, आपका गालो में कहे तो मिंजिक में को रेगु है, ऐसा करके हर कम्युनिटी का अपना अपना उसमें है। तो अभी देखा गया कि हमारे जो चार है ऐसा गुरुकुल चार चल रहा है, निशी में दो है, गालो में है, आदि में है, तो ऐसे सब कम्युनिटीज ये चाहता है। तो हमारे जो NNMR वुमेन विंग का ये मंत्री से मांग था कि जब सभी जब ये गुरुकुल है ये सब बॉयज़ का है क्यों ना, और ये इसमें बहुत अच्छा है कि ये ब्लेंडेड ऑफ आपका ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न नॉलेज है। मॉडर्न एजुकेशन को VKV देता है, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसको हमारे इंडिजिनस तरफ से देता है, तो ये सिर्फ बॉयज़ का है, तो क्यों ना, क्योंकि ये चंगतम अन्य है वोमन का तरफ से ये सब चीज़ नॉलेज होता है जनरली देखा जाने से, तो क्यों ना वोमन गर्ल्स का भी एक इसको तांदे बिंगने यरको करके एक स्कूल उनको भी दिया जाए करके उन्होंने प्लेस किया है, तो और मंत्री ने भी उसको आश्वासन दिया है, तो देखता है कि आगे इन लोग का भी गर्ल्स का भी ऐसा गुरुकुल हो और आप सभी उसका सीखें।